हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया कि ये चैनल और ये वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा एक ही मोटो है कि मैं जो BA फर्स्ट ईयर वाले हैं, क्योंकि उनकी शुरू से जो ग्रेजुएशन की क्लासेस हैं ऑनलाइन चल रही है, उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा, वो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इसीलिए मैं BA फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये वीडियो और ये चैनल बनाई हूँ जिसके थ्रू मैं आपको पूरा सिलेबस आपका कवर करा सकूँ फर्स्ट ईयर का BA के एकदम टॉपिक वाइज। क्योंकि गाइस, जब मैं खुद पढ़ती थी फर्स्ट ईयर में, तो मैंने बहुत बार सर्च किया था, टॉपिक वाइज तो चीज़ें मिल जाती थी जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेवेंट थी, लेकिन जो हमारे सिलेबस का है, हमारे सिलेबस वाइज है, वो सारी चीज़ें हमें नहीं मिलती थी। इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियोस क्रिएट कर रही हूँ ताकि मैं आपको इस तरह से चीज़ें सिलेबस वाइज कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ। लेकिन उसके पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि आप अपने कॉलेज, जब क्योंकि मैं BHU की छात्रा हूँ, तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि BHU में कैसे बुक सर्च करेंगे आप, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है वहाँ पे। तो ऑनलाइन होने की वजह से जो न्यू अराइवल हैं, नए फ्रेशर्स हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे बुक सर्च करना है। बहुत ही सिंपल है गाइस, आप अपना आईडी कार्ड ज़रूर बनवा लें। आईडी कार्ड बनवाने के बाद जब आप जाएंगे अपने लाइब्रेरी में, तो वहाँ आपको बतावाना होगा कि आप फर्स्ट ईयर के हो और आपको लाइब्रेरी कार्ड बनवाना है। तो फिर वो आपका आईडी कार्ड देखेंगे और फिर बोलेंगे आपको, वो बोलने से मतलब ये दो छोटे छोटे लिफाफे प्रोवाइड करेंगे, यही आपका लाइब्रेरी कार्ड है गाइस। इसके कलर चेंज हो सकते हैं गाइस, आपका ब्लू भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। तो गाइस, ये आपका, इसको देंगे वो और कहेंगे इसको फिल कर लीजिए, आपको दो मिलेगा। दो का ये मतलब है गाइस कि इन दो का ये मतलब है कि आप एक साथ दो बुक इशू करा सकते हैं। और इसमें आपको फिल करना होगा सब, वो बताएंगे आपको फिल करने का। और कोई प्रॉब्लम होगी तो वहीं पर पूछ सकते हैं, भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है फिल करने। और ये आपके अंदर फोटो लगेंगे गाइस, और ऐसे भर के पिक लगा के अपनी वहाँ देंगे, तो वो आपको साइन करके स्टैम्प करके आपका लाइब्रेरी कार्ड आपको दे देंगे। और जब आपको लाइब्रेरी कार्ड आपका मिल जाएगा गाइस, तो सिंपली क्या करना है, अब आपको जाना है जो ऑनलाइन सिस्टम रखा हुआ है आपके लाइब्रेरी में, दो कंप्यूटर, तीन कंप्यूटर, चार कंप्यूटर, दस कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर, आप जाएंगे वहाँ पे पूरा, जैसे होम पेज जो खुला होता है, फ्रंट पेज जो होता है आपके कंप्यूटर का, वो रहेगा आपके स्क्रीन पे। साइड में मतलब ढेर सारे आइकन्स रहेंगे, उसमें से एक आइकन होगा साइबर लाइब्रेरी का, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ढेर सारा ऐसा खुल जाएगा, उस पर बहुत सारे ब्लॉक्स बने होंगे, उसमें एक पे लिखा होगा डिजिटल लाइब्रेरी, उस पर आप क्लिक करेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी पर क्लिक करने के बाद एक सर्चिंग टाइप का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको लिखा होगा क्लिक हियर, और उसमें छोटा छोटा सा दिखता रहेगा, उस पर क्लिक हियर करेंगे तो ऑलरेडी सब बड़ा हो जाएगा सारा इंटरफेस। फिर सारी चीज़ें बड़ी हो जाएंगी, तो उसमें से आपको सीधे सर्च कर, यहाँ नेम लिखने को आएगा, बुक का टाइटल, और साइड में आएगा कि कितने मतलब कितना फील्ड, किस फील्ड का। तो आप क्या करिएगा, जो फील्ड रहेगा उसमें 50 कर दीजिएगा, वो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट वो 10 पे ही रहता है, बट आप 50 कर देंगे। आप जो वहाँ लिख रहे हैं, मेन जो हेडिंग लिखनी है उसमें आप ऑथर लिख रहे हैं कि बुक की टाइटल लिख रहे हैं, वो टाइम इधर एक और बॉक्स रहेगा, उसमें ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि आप क्या लिख रहे हैं। उस पर क्लिक करेंगे तो धीरे लंबी सी एक लिस्ट खुलेगी। अगर आपका ऑथर का नाम लिख रहे हैं तो ऑथर क्लिक कर दीजिएगा, अगर टाइटल लिख रहे हैं तो टाइटल क्लिक कर दीजिएगा। ये करने के बाद तो गाइस, जैसे आपने बुक का चाहे टाइटल चाहे ऑथर लिखा, फिर आपने फील्ड, तो फील्ड में पूरा 50 डाल दिया, फिर आप क्या किस टाइटल सर्च कर रहे हो, बुक नेम सर्च कर रहे हो, वो खोल के, लिस्ट खोल के उसमें से वो सेलेक्ट करके डाल दिया। उसके बाद नीचे एक रेड कलर का ऑप्शन में लिखा होगा गो, उस पर आप गो क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली अगर उसमें की कोई बुक होगी तो अपने आप लिस्ट खुल जाएगा, पूरा पूरा लिस्ट खुल जाएगा। और जिस जो भी बुक आपको उस लिस्ट में से चाहिए, उसके ऊपर क्लिक करेंगे जब, तो साइड में पूरा सा इन्फॉर्मेशन खुल जाएगा गाइस। कई कई बार क्या होता है कि हम गो पे क्लिक करते हैं, एक बार में नहीं खुलता है, नो रिकॉर्ड फाउंड रेड कलर से लिख के आ जाता है गाइस, नो रिकॉर्ड फाउंड। बट डोंट गेट अपसेट गाइस, इसको दो तीन बार इसको ट्राई करें, ऐसा होता है कि दो तीन बार बाद वो आ जाती हैं चीज़ें, तो वो जो लिस्ट आ जाएगी उसमें से जो भी बुक आपको, ढेर सारे नाम, फिर उनके बुक के नाम और था ना, पर ऐसे लाइन से आ जाएगा ढेर सारी बुक, तो उसमें से आपकी जो भी बुक्स है उस पर क्लिक करेंगे तो साइड में उसकी इन्फॉर्मेशन, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगी कि उसकी कितनी कॉपीज है लाइब्रेरी में, उसमें से कितना आउट है, उसके बारे में फुल डिटेल आ जाएगा। तो उसमें से
दो चीजें तीन चार चीजें लिख के आपको एक पेपर पे लिख के अपने लाइब्रेरी को देना होगा, फिर वो वहां से बुक निकाल के आपको देते हैं। तो वो क्या चीजें हैं जो आपको लिखनी होंगी? कॉल नंबर होता है उस बुक का, कॉल नंबर CALLNO ऐसे कॉल नंबर लिखा होगा साइड में उस बुक का। जब आप उस बुक के उस पर क्लिक करेंगे तो साइड में उसी पेज पे साइड में ऐसे इंफॉर्मेशन खुलेगी, तो कॉल नंबर, उस बुक का अकाउंट नंबर ACCC, उसके बाद NO करके लिखा रहेगा अकाउंट नंबर, कॉल नंबर, बुक का टाइटल जो भी है वो लिख लीजिएगा। और इतना लिखने के बाद में फिर आपको नीचे अपना नाम रख के फिर वहां पे ऐसे सबमिट कर देंगे, रख देंगे, फिर वो आपका लेके ढूंढ के फिर आपको आपका नाम नीचे लिखा होगा उससे बुलाएंगे और आपको बुक दे। तो गाइज ये था प्रोसेस कि आप कैसे बुक सर्च करेंगे, क्योंकि गाइज जो ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, जैसे आपका हिस्ट्री ऑनर्स हो तो आप हिस्ट्री की बुक्स खरीद लें, ठीक है, लेकिन बाकी पॉल और सोशियो चाहे साइकोलॉजी आपका हो तो इन सब चीजों की बुक खरीदने का कोई मीन्स नहीं है। आप इनकी बुक लाइब्रेरी से इश्यू करा लें, या इश्यू करा के आपको चाहिए हमेशा पढ़ने के लिए तो उससे नोट्स बना लें या उसका फोटोकॉपी करवा लें, अपने फ्रेंड से कोई बुक लेके, लाइब्रेरी में अक्सर होता है कि बुक्स मान लो नहीं है तो आप अपने फ्रेंड से लेके उसको फोटोकॉपी करा लें, लेकिन जिस सब्जेक्ट का आपका ऑनर्स है उसकी बुक आप मस्टली ले लें क्योंकि वो आपको फ्यूचर में भी काम आने वाला है। गाइस तो जैसे कि आपको पता चल गया कि कैसे बुक निकालना है, और गाइस जैसे कि मैं आपको बता रही थी पहले भी वीडियो में बताया, इस वीडियो में भी बताया मैंने शुरू में, कि आपके लिए मैं पूरा वीडियो लाने वाली हूँ कि कैसे कैसे आपके बीए के कोर्स में कैसे कैसे पढ़ना है आपको, एक एक पूरा सिलेबस वाइज एक टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगी, चाहे वो सब्जेक्ट हिस्ट्री का हो, चाहे वो पॉल साइंस का हो, चाहे सोशोलॉजी का हो। और हाँ, आपको कोई भी कंटेंट चाहिए आपके बीए से रिलेटेड, सोशोलॉजी हिस्ट्री गाइस साइकोलॉजी का मैं नहीं दे पाऊंगी, बट हिस्ट्री पॉल सोशियो मैं आपको आराम से प्रोवाइड करा दूंगी। देख लीजिए जैसे कि ये लक्ष्मीकांत बहुत ही बेस्ट बुक है गाइस, बहुत ही अच्छी बुक है, बट फर्स्ट ईयर, इस फर्स्ट ईयर के लिए इसमें कुछ नहीं है गाइस, तो अच्छी बुक तो है लेकिन आपको सेकेंड ईयर में काम आएगी, फर्स्ट ईयर में इसका कोई यूज नहीं है। जैसे ये सारी बुक्स हैं बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स हैं, बहुत ही अच्छी बुक्स है, लेकिन वही बुक्स खरीदें गाइस जो आपका ऑनर्स हो, क्योंकि जो ऑनर्स नहीं होता है और वो बुक्स ले लेते थी महंगी महंगी, फिर वो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। आराम से आप लाइब्रेरी से निकलवाइए बुक्स जो आपको कोर की बुक्स है, आराम से फिर आप उससे बिल्कुल पढ़ लोगे। और हाँ, अगर आपको पॉल के लिए, अगर आपका ऑनर्स नहीं भी है और पॉल के लिए कोई बुक खरीदना चाहते हैं, क्योंकि कई बार लाइब्रेरी में नहीं मिलता, तो आप ये जो बुक है ये वाली खरीद सकते हैं, RC अग्रवाल, बहुत ही अच्छी बुक है फर्स्ट ईयर वालों के लिए, लगभग आपका पूरा एक पेपर का कवर हो जाएगा इसमें, बहुत ही अच्छी बुक है RC अग्रवाल, पॉल साइंस के लिए मैं ये रिकमेंड करूंगी, बहुत ही अच्छी बुक है गाइस। और पॉल साइंस फर्स्ट ईयर, ये ओपी गवा, हाँ गाइस जैसे ओपी गवा है, इसकी इंग्लिश बहुत ही टफ है, बहुत ही अच्छा है, पूरा सिलेबस कवर किया है गाइस, लेकिन इसकी इंग्लिश बहुत टफ है, थोड़ा मुश्किल होता है पढ़ने में, तो आप अगर इजिली पढ़ पाओ से तो ठीक है, वरना इसको ना ही ले, क्योंकि फिर ये नहीं पढ़ पाओगे, रखी रह जाएगी। और गाइज आपको इस तरह से कोई भी अगर कंटेंट चाहिए, आप अभी बुक नहीं खरीदे और रिसेंटली अगर कोई कंटेंट चाहिए तो आप मुझको कमेंट करके मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस बुक का, कौन से टॉपिक का, कौन सा चैप्टर कंटेंट चाहिए। मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड करूंगी इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको उसका PDF प्रोवाइड कर दूंगी, आप आराम से उसमें देख के अपनी चीजें कर दीजिएगा। तो आप लाइक करना इस चैनल को ना भूलिए ताकि मुझे पता चले कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं जो मैं बता रही हूँ, आपको कोर्स चाहिए बीए के फर्स्ट ईयर का, या आपको मुझे मुझसे हेल्प चाहिए, और जो भी हेल्प चाहिए आप कमेंट मुझे करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे पता चले। गाइस जैसे कि मेरे पास इग्नू के नोट्स भी हैं गाइस, तो अगर आपको वो भी चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे गाइस, तो आप उसके लिए बिल्कुल दुखी ना हो कि आपके पास कुछ नहीं है, मैं हूँ, आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगी। तो थैंक यू सो मच, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें अपने सभी प्रॉब्लम्स, मैं इस कोर्स को शुरू करूं या ना करूं और करूं तो कैसे करूं गाइस, प्लीज मुझे बताएं अपने कमेंट में। और मेरा चैनल भी है इंस्टाग्राम पे, वहां भी जाके भी मुझे फॉलो करें, मैसेज भी कर सकते हैं मुझे, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दे दूंगी गाइस। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार मुझे, थैंक यू गाइस।